मुझे पता था कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस राष्ट्र की आत्मा के लिए हम एक लड़ाई के माध्यम हैं। यह ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं और आप कहाँ खड़े हैं, लेकिन यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप कैसे हैं और राष्ट्र निर्माण के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है। XCHM डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो बाइडन के दिलचस्प जीवन के बारे में, जिन्होंने US 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाजी मारी। जो बाइडन का जन्म नवंबर 1942 में हुआ था। बाइडन की उम्र 77 वर्ष की है। जो बाइडन बराक ओबामा के पूर्व उपाध्यक्ष रह रहे हैं। बाइडन सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के स्नातक हैं। जो बाइडन एक बहुत ही जाने माने अमेरिकी पॉलिटिशियन हैं और यह सीनेट चुनाव जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इसके अलावा यह साल 2009 से लेकर साल 2017 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। 2011 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के माध्यम से इराक के लिए अमेरिकी नीति तैयार करने में मदद की। जनवरी 2017 में ओबामा ने बाइडन को स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। जब वह स्कूल में थे तो लड़खड़ा रहे थे और हकला रहे थे। क्या आपने कभी सोचा था कि स्कूली शिक्षा के दौरान कई बार हकलाने के लिए अपने सहपाठियों द्वारा अपमानित किया गया एक बच्चा दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति बन जाता है? वह लड़का जो बाइडन के अलावा और कोई नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बाइडन का पॉलिटिकल सफर काफी अधिक रोमांच से भरा है और निसंदेह वह एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक भी हैं। ऐसी उम्मीद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद वह अपने देश को और अधिक उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। अप्रैल 2019 में बाइडन ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और जून 2020 में वो डेमोक्रेटिक नामांकन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रतिनिधि सीमा तक पहुंच गए। 11 अगस्त को उन्होंने कैलिफोर्निया के भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस को अपने उपराष्ट्रपति के दावेदार के रूप में घोषित किया। बाइडन ने 3 नवंबर के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराया। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम फिर जल्द मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।